नमस्कार, कनक जीवन चैनल में आपका स्वागत है। आज 16/10/2021 श्री दुर्गा पूजा समिति जनता बाजार का विसर्जन कार्यक्रम, भव्य विसर्जन कार्यक्रम आयोजित किया गया। 10 दिनों तक माँ यहाँ आई, सबको खुशियाँ बांटी और अंततः आज जो परंपरा के अनुसार उनका विसर्जन किया गया। विसर्जन का यह दृश्य मैं आपको कनक जीवन चैनल के माध्यम से आप तक पहुँचा रहा हूँ। आप यहाँ भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें क्योंकि और लोग भी इसका आनंद उठा सकते हैं। Thank you.
तो इस तरह से श्री ढोंढनाथ मंदिर के पास जो गंडकी नदी बहती है, आप देख सकते हैं सर्वप्रथम, चूँकि सबसे पहले पूजा गणेश जी की होती है, तो यहाँ विसर्जन में सबसे पहले गणेश जी को ही विसर्जित किया जाता है। यह दृश्य आप देख सकते हैं, लोग गणेश जी का विसर्जन करते हुए गंडकी नदी का यह कलकल करता पानी, इसमें लोग स्नान का भी आनंद ले रहे हैं। अब यह दूसरी मूर्ति, दूसरी प्रतिमा जो गंडकी नदी में विसर्जित की जाएगी, इस तरह से आप यह दृश्य कनक जीवन चैनल के माध्यम से देख रहे हैं। कनक जीवन चैनल का मुख्य उद्देश्य है कि इर्द गिर्द में लहलातपुर प्रखंड में या और कहीं जगह जहां यह टीम पहुंचती है, तो वहां का आंखों देखा हाल आप तक पहुंचाए। ये देखिए, सत्य पर असत्य पर सत्य की विजय हुई, और इस तरह से राक्षस को लोग देखिए किस तरह से पानी में विसर्जित करने के बाद भी उसको कुचल कुचल के खत्म कर रहे हैं। तो यह दृश्य, यह अब माँ दुर्गा का दृश्य आप देख सकते हैं, आंखों में आंसू लिए सारे लोग उनको विसर्जित कर रहे हैं गंडकी नदी में, और इस तरह से माँ अब अपने घर चली गई, और अगले साल फिर वह खुशियाँ लेकर के आएगी प्रत्येक लोगों के जीवन में। और आज माँ का समर्पण गंडकी नदी में हो गया। तो यह मनोरम दृश्य कनक जीवन चैनल आप लोगों तक पहुंचा रहा है। मैं एक बार फिर आपसे कहूंगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर कभी ऐसा कार्यक्रम हुआ तो हम आपसे मिलेंगे। धन्यवाद। नमस्कार। ग्राम पंचायत राशी कटिया के निवर्तमान मुखिया पति डॉक्टर प्रभाकर उपाध्याय कनक जीवन चैनल से बहुत जल्द आम जनता को के समक्ष